बिहार में तो जन्म के पहले से ही असुरक्षित है, आज क्या बात है? जन्म के पहले से असुरक्षित? हाँ, यहाँ बच्चा पैदा है और असुरक्षित होता है। अच्छा, बिहार में रहुआ सुरक्षित महसूस करी ला? ना। काहे? बहुत कुछ दिक्कत बड़ी है, बहुत कुछ दिक्कत, दिक्कत बा? बहुत किस्म के दिक्कत बा, जहाँ जाइए वही दिक्कत है। ये तो बाजार से बंदी है ये भैया, केजा गांजा फ्री सेल है। अच्छा, नहीं तो आप बताइए तो, जब शराब मिलता था तब इतना लोग कहाँ पीते? राम भक्त है सब, गंजड़ी है, आरएसएस के गंजड़ी है सब। सब आरएसएस के जितना राम भक्त साधु लोग है, जितना संत लोग महात्मा लोग सब गांजा टाल रहे हैं। अरे काहे का सुशासन? सुशासन कौना बात के सुशासन बा? सुशासन बा, सुशासन उनका खाती सुशासन हुई, उनका खाती गार्ड लगल बा, उनका सुरक्षा बढ़ी, हम ये का सुरक्षा बा? आपराधिक घटना लगातार की बढ़ल बा? बहुत बढ़ल बा। तो मोदी जी की सरकार पसंद है? सरकार अभी जो अभी है सब ठीक है, सब ठीक है। मोदी जी की सब ठीक है अभी? अपराध तो नहीं है, अपराधी अगर घटना देखा जाए तो बिहार में क्या, यूपी में भी है, दिल्ली में भी आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। बिहार में सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ठीक है? बढ़िया है सब। देखिए सरकार ठीक है, अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बिहार में? बढ़ गया पूरा। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बिहार में? अपराध बढ़ा है भाई जी भैया। देखिए लोगों का मानना है कि अपराध बढ़ गया, लेकिन एक तरफ लोग जो कह रहे हैं नहीं बढ़ा है। बिहार का जो हालात है अभी, जो मौजूदा स्थिति है अभी, औसत उसको ठीक आप कह सकते हैं? औसत, औसत ठीक है, औसत आप। देखिए बिहार में लगातार जो अपराध है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक तरफ महिला सिपाही जो है वो आत्महत्या कर लेती है, अब जो उनके नोटिस, यानी आप एक तरीके कह सकते हैं जो सुसाइड जो पत्र वो लिखती हैं, उसमें साफ साफ तौर पे ये लिखती हैं कि हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अभी पटना की सड़कों पर हैं हम, यानी कि पटना जंक्शन पर भी उपस्थित है, और देखिए तमाम जो लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के क्रम में हैं। लेकिन अब इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या सही में बिहार में जो अपराध है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्या ये सुरक्षित खुद को महसूस करते कि नहीं करते हैं। क्या नाम है? शिवमोहन मिश्रा। अच्छा शिवमोहन जी, बताइए कि बिहार में सुरक्षित हैं आप? बिहार में तो जन्म के पहले से ही असुरक्षित है, आज क्या बात है? जन्म के पहले से असुरक्षित? हाँ, यहाँ बच्चा पैदा है और असुरक्षित होता है। अच्छा, क्यों? ऐसा कारण क्या है? वैसे हमारी सरकार है, हमारी विधि व्यवस्था है। अच्छा, क्यों सरकार अच्छी नहीं है? अब आगे क्या बोले? नहीं बता दे, सरकार अच्छी नहीं है। नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी को कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन बाबू है। सुशासन बाबू तो है ही। सुशासन बाबू है? चलिए देखिए, गठबंधन में कोई सुशासन होता है क्या? गठबंधन में कोई सुशासन? कोई सुशासन नहीं होता। चलिए देखिए, यहाँ युवा हैं कुछ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए बिहार में युवा, इसे बताइए बिहार में सुरक्षित महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अपराध तो एकदम चरम सीमा पे है। लोग कह रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, महिला सिपाही आत्महत्या कर ली खुद को, इतना तो मालूम, जानकारी नहीं है आपको? नहीं। लेकिन क्या लगता है अभी जो वर्तमान में सरकार है वो ठीक है? जी ठीक तो है, पहले से तो ठीक है, पहले से ठीक है, बहुत बीजेपी से बढ़िया है, बीजेपी से तो बढ़िया है। चलिए देखिए, आपका क्या मानना है? अच्छा सरकार है, बीजेपी तो ही चल रहा है बिहार, अभी तो बीजेपी है ना? बिहार में बीजेपी है? बिहार में भारत, तो बिहार की ना बात कर रहे हैं जी? बिहार में रहते तो बिहार की बात करेंगे। हाँ, क्या लगता है सुरक्षित है? सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। हाँ तो चलिए देखिए, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या मौलवी साहब, सुरक्षित है बिहार में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया क्या बढ़िया, सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित। नीतीश जी की सरकार पसंद है? सरकार अभी जो अभी है सब ठीक है, सब ठीक है। मोदी जी की? सब ठीक है अभी। देखिए मोदी जी भी ठीक है, सब ठीक है, और भी लोगों से बातचीत अभी हम वहाँ करेंगे कि उनकी क्या राय है। फिलहाल महिलाओं से बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचती हैं बिहार को लेके। मैम, बिहार में सुरक्षित महसूस करती हैं आप? करती हैं? लोग तो कहते हैं बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। काहे सुरक्षित नहीं है? बिहार में महिला सुरक्षित है नहीं तो कैसे पता चले कि बिहार में महिला सुरक्षित? अच्छा, नहीं। शिक्षक हैं आप? नहीं, हम शिक्षक नहीं, हम टीचर एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम देने, वो देखा नीचे आप रखी हुई थी एग्जामिनेशन का। अच्छा, क्या लगता है बिहार में सुरक्षा है महिलाओं को? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो लोग है वो कह रहा है कि सुरक्षा ही सुरक्षा है, बिहार में सुरक्षित है लोग। क्या मानना है, बिहार में सुरक्षित महसूस करती है? महसूस? हाँ, सुरक्षित है एकदम? हाँ करती है। चलिए देखिए, बिहार में लोग सुरक्षित है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं अभी हम। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रताप।
प्रताप कुमार मंडल। अच्छा प्रताप जी, बताइए बिहार में सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? हम बिहार के तो नहीं है, झारखंड के। झारखंड के हैं, तो बिहार आके कैसा फील होता है? अच्छा ही। अच्छा है। चलिए देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे अभी हम। कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से आए हुए हैं। बिहार आके कैसा लगता है? बिहार झारखंड पहले एक ही था। हाँ तो था। ठीक है, बिहार में सुरक्षा लगता है ठीक है? तो भाई उतना दिन हम लोग रहे नहीं है यहाँ, तो कैसे मालूम चलेगा ठीक है कि नहीं है? अच्छा नहीं पता है, लेकिन आते हैं तो सब ठीक रहता है ना? अभी तो मान लीजिए घूम रहे हैं तो ठीक लग रहा है। अच्छा घूम रहे हैं तो ठीक लग रहा है। चलिए देखिए और लोगों से जानते हैं बात, क्या कुछ कहना है लोगों का। अंकल क्या लगता है बिहार में लोग सुरक्षित है? हमको आइडिया नहीं बाबू सर, क्योंकि नहीं रहते हैं बिहार में। आइडिया नहीं है, आइडिया ही नहीं है। चलिए देखिए लोगों को आइडिया तक नहीं है। देखिए और भी लोगों से बातचीत अभी हम करेंगे। क्या नाम हुआ? शिव कुमार। अच्छा ये बताइए भाई साहब कि बिहार में सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ठीक है? बढ़िया है सब। चलिए देखिए सरकार ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं। बिहार में सुरक्षित महसूस करते हैं? हम यहाँ के नहीं हैं। आप यहाँ के नहीं हैं तो बिहार घूमने आए हैं? हाँ घूमने आए। तो कैसा लगा? अभी आएंगे ना, अभी आ रहे हैं दो तीन लोग, फिर जाएंगे फिर घूमेंगे। तो बाहर से देखने में कैसा लगा? अरे देखने में ठीक ही लग रहा है। ठीक है, गंदगी नहीं है? अभी गंदगी बाहर है, यहाँ थोड़ी स्टेशन है, यहाँ गंदगी नहीं है। चलिए देखिए चाचा बिहार के ही हैं। बोला बोला तुम बोला ना ना बोली रहुआ बिहार के बनी रहुआ? हाँ जी बिहार के बनी। अच्छा तो बिहार में रहुआ सुरक्षित महसूस करी ला? ना काहे? बहुत कुछ दिक्कत बड़ी है, बहुत कुछ दिक्कत बा, बहुत किस्म के दिक्कत बा, जहाँ जाइए वही दिक्कत है। अच्छा नहीं एगो दिक्कत बताई कभी कहीं? नीतीश कुमार तो सुशासन के सरकार बा। काहे का सुशासन? सुशासन कौन बात के सुशासन बा? सुशासन बा, सुशासन बा, उनका खातिर सुशासन हुई, उनका खातिर गार्ड लागल बा, उनका सुरक्षा बढ़ी, हम ये का सुरक्षा बा? आपराधिक घटना लगा था ना कि बढ़ल बा? बहुत बढ़ल बा। तो अच्छा क्या लगा था 2024 में ये अपराध उपराध से छुटकारा मिली? कुल जना जाइए। कुल जना जाइए? हाँ आराम से। चले देखिए वरिष्ठ है कह रहे कुल जना जाइए 2024 में, और देखिए क्या लगता है बिहार में अपराध है या नहीं? अपराध तो नहीं है, अपराधी अगर घटना देखा गया तो बिहार में क्या, यूपी में भी है, दिल्ली में भी आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। अच्छा अपराधी घटना कौन सा स्टेट है जहाँ नहीं है? नहीं लेकिन बिहार में तो लोग कहता है कि जंगल राज है, लोग सुरक्षित नहीं है। जंगल राज नहीं है, जंगल राज ये बनाया गया। अच्छा बनाया गया? हाँ जंगल राज कभी नहीं था। कभी नहीं था? नहीं। अच्छा जंगल राज जब अति जो नीचे जो तबका का जो लोग दबा हुआ था ना, जब वो अपना हक और अधिकार मांगने लगा और जिसको पानी नहीं पीने दिया जाता था एक कुआं पर, जिसको बैठने का समान अधिकार, इतना हत्या इतना रेप ये सब कहां नहीं हो रहा भैया? हत्या हो रहा है लेकिन सिपाही आत्महत्या कर ले रही है, बताइए प्रताड़ित हो रहा है। सिपाही आत्महत्या कर ले रही है? हाँ। उसका पर्सनल मैटर क्या मैटर था? नहीं, वो सरकारी मैटर है, आप तो एक तरीके से कह सकते हैं। उसके पति को निलंबित कर दिया गया, उस पे ये बनाया गया कि आप भाई आप आइए, हो रहा है ना कि आखिर क्यों किया? हाँ। आप क्यों नहीं कर ले रहे, हम क्यों नहीं कर ले रहे? हाँ। कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा। मेरे साथ भी हुआ है ना, फोन छीन लिया जाता है रास्ते, मेरे साथ फोन छीना गया। फोन छीन छोरी कहाँ नहीं हो रहा है बताइए ना? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो लोग कह रहे हैं ऐसी बात, क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश गए हैं? हम गए हैं, लखनऊ गए हैं। आपका आपके साथ हुआ फोन उन नहीं? रात में क्या आपका मेरे आपका हमको भी यहाँ नहीं छीना, हम भी तो हम जल्दी आते जाते हैं। यहाँ पे नहीं छीन रहा फोन? नहीं नहीं यहाँ छीन रहा है, कहाँ नहीं फोन छीन रहा है? आप एकदम सेफ फील करते हैं चलाते हुए? नहीं छीनता है? नहीं। चलिए देखिए हम अंकल में आ रहा है, फोन वोन छीना जाता है कि नहीं पटना में? चलते रहिए फोन हाथ से, छीना जाएगा कि नहीं छीना जाएगा? छिनाता है ना। चलिए देखिए भैया कह रहे कि फोन नहीं छीनता है लोग, बिहार एकदम बढ़िया चल रहा है, बिहार में सुरक्षा है लगता है? बढ़ गया है बहुत ज्यादा, फिर क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया है ना, फिर आपका ऐसा मानना है? चलिए देखिए इनका भी मानना है कि क्राइम जो है वो बिहार में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी और लोगों से बातचीत वहां पे करते हैं कि क्या कहना है इनका। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ देख रहे हैं बताइए, क्या नाम हुआ? मुंद्रिका यादव। अच्छा ये बताइए यादव जी कि बिहार सुरक्षित है? बिहार में सुरक्षा है? हाँ सुरक्षा तो है, ठीक है। अपराध इतना बढ़ता जा रहा है? कहाँ अपराध बढ़ रहा है? अपराध नहीं बढ़ रहा है, पहले नहीं था क्या? पहले नहीं? बिल्कुल पहले भी था लेकिन अब अपराध माना से अपराध आता है, लेकिन जितना बढ़ गया थोड़ के थी है। हाँ। कोई सहूलियत है? हाँ। अपराध तो सदियों से आ रहा है, लेकिन अभी भी तो अभी भी, लेकिन अभी एक बात बताइए, जब से शराबबंदी हुई है सूखा नशा का कारोबार चला गया है, लड़के बीएस पी रहे हैं, स्माइक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो उसके बाद आपका चलते हुए फोन छीन लेते हैं,
ऐसा नहीं हो रहा है तो पहले क्या लोग बीएस पीते थे? नहीं, ये बात नहीं था पहले। फिर बताइए, बीएस पीता था पहले लोग ब्राउन शुगर? लेकिन अब पीता है ना लोग, स्पाइक पीता है ना लोग, डाइल्यूटर लेता है ना, सॉल्यूशन लेता है ना लोग, तो क्या लगता है अपराध नहीं है ये? क्या भैया अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बिहार? बढ़ गया पूरा, है ना? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बिहार? अपराध बढ़ा है भाई जी भैया। हाँ जी, देखिए लोगों का मानना है कि अपराध बढ़ गया, लेकिन एक तरफ लोग जो कह रहे हैं नहीं बढ़ा है, क्या मानना है? किस कौन इसका जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है और क्या है? प्रशासन जिम्मेवार है। कौन जिम्मेदार होगा? आप फोन पे बात करते हैं, बीएस पीता है लड़का, वो आके फोन छीन के लेके चला जाता है। हुआ है घटना कभी देखे हैं? आंखों देखी देखे तो नहीं, लेकिन सुनबे किए हैं। सुने हैं ना? हाँ भाई, आप भी सुने होंगे कहीं ना कहीं एक दो घटना ऐसा। तो कैसे कहती है बिहार सुरक्षित है, बिहार में अपराध नहीं, वर्षों से चला रहा है अपराध, तो अपराध नहीं खत्म होना चाहिए? ये तो सब दिनों से आ रहा है ना, अपराध खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी घर की बहू बेटी बाहर निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? एकदम सुरक्षित महसूस होगा, होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो अब क्या इसको क्या लगता है, अभी जो वर्तमान में सरकार है वो ठीक है? सरकार तो ठीक ही है, सरकार ठीक है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है? नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। अच्छा, पूरा कटु क्वेश्चन पूछते हैं, यादव जी इसीलिए वोट कर रहे हैं? यादव जी इसीलिए? नहीं, देखिए यही यादव की बात नहीं है। यहाँ मैंने अधिक की अधिक होना जिम्मेवारी की बात होनी चाहिए। प्रशासन अगर मैंने हम कहते हैं कोई भी हो, वो ढंग से अगर अथी करे, व्यवहार चलावे प्रशासन ढंग, तो कायल जनता अथी करेगा। बिल्कुल, देखिए सही बोलना है इनका। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। देखिए बड़ा अच्छे से देख रहे थे। बताइए बिहार के रहने वाले हैं? यस। कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर जिला। ये बताइए क्राइम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बिहार में? क्राइम बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है ना, मानते हैं ना इस बात को? अच्छा है। क्या इसका दोषी कौन है? दोषी किसको ठहराइएगा? नहीं बताइए ना, किसको आप किसको दोषी मानते हैं बिहार में क्राइम बढ़ा है? सरकार को मानते हैं। चलिए देखिए, आप किसको दोषी मानते हैं बिहार में क्राइम? सरकार को मानते हैं। किसकी सरकार है अभी? अभी सरकार है मोदी जी का। मोदी जी का तो भारत में सरकार है जी, बिहार में किसकी सरकार है? देखिए पता ही नहीं है सरकार किसकी है। क्या लगता है बिहार में क्राइम बढ़ा है? बताइए इधर। बढ़ा है क्राइम। चलिए देखिए, यहाँ पे जो लोग है वो साफ साफ कह रहा है कि बिहार में जो क्राइम है वो बढ़ा है। देखिए महिला, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या चाची, बिहार में क्राइम बढ़ा है, सुरक्षित महसूस कर रही हैं? अरे बोल दीजिए, आप नहीं बोले तो किसके लिए वोट देना होता है तो दे देते हैं? वोट ना, हमारा तबीयत खराब है। अच्छा चलिए देखिए, और लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा देखिए, गरमाइए मत, ये बताइए सुरक्षित बिहार की रहने वाले हैं जी? बिहार के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम बिहार। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था का जो कानून है सुरक्षित है? देखिए बिहार का जो हालात है, अभी जो मौजूदा स्थिति है, अभी औसत उसको ठीक आप कह सकते हैं? औसत ठीक है, औसत आप ठीक कह सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, बच्चे जो है वो गांजा पी रहे हैं, बीएस पी रहे हैं, स्माइक, क्या कारण क्या है? देखिए यह एक सामाजिक बुराई है, और यह सिर्फ सरकार को पहल करने से खत्म यह नहीं होगा। गांजा पीना, शराब पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना भी नौजवान लोग गुटखा खाता है, है ना, दड़ले से खूब खाते हैं, और उसमें अशिक्षित नौजवान भारी तादाद में खाते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है, अकेले सरकार को पहल करने से इस समस्या का हल नहीं होगा। जैसे नीतीश जी शराब बंदी की है, वैसे तो भी कर सकते हैं। ये तो बजाबते बंदी है ये भैया, केजा गांजा फ्री सेल है। अच्छा नहीं तो आप बताइए, तो जब शराब मिलता था तब इतना लोग कहाँ पीते? राम भक्त है सब, गंजड़ी है, आरएसएस के गंजड़ी है सब आरएसएस के, जितना राम भक्त साधु लोग हैं, जितना संत लोग महात्मा लोग, सब गांजा टाल रहे हैं, सब गांजा पी रहे हैं, सब गांजा देखे हैं गांजा पीते हुए। अरे भाई सैकड़ों जगह, एक बेरा हजारों जगह। हाँ आप चल जाइए, जय पर ज्यादा दूर नहीं, महावीर मंदिर बगल में, जहाँ पर जितना साधु मिलेगा सब गंजड़ी।